क्यों नहीं मानते बताओ आपको, सिर्फ मच्छर के काटने की वजह से कबूतर के बच्चे को चेचक, माता, फोड़े, फुंसी, चोंच पे, आगे पीछे पंजों पे, ऐसी जगह पे हो जाते हैं, जो फुंसी बढ़ते 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 उस बच्चे की जान हो जाता है, आपका नुकसान, आपको नुकसान जाती हो जाता है। बाकी भाई टेंशन नहीं, मैं आपको एक ऐसा तरीके बताऊंगा जिससे कि 101% आपको रिजल्ट मिलेगा। आपका भी भाई मेरे चैनल पे पहली बार कभी आए हो कबूतर कह रहे चैनल पे, तो सही तरीके से भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, घंटी का ऑल कर ले, तभी भाई मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आएंगी। कि भाई मैं बहुत ही हर बार अलग अलग तरीके बताता हूँ, सिंपल तरीके बताता हूँ जिसमें आप परेशान नहीं हो। अभी आप जो स्प्रे देख रहे हो ना भाई, मैं कुछ दिनों से इस्तेमाल कर रहा हूँ, मेरे को रिजल्ट मिल रहा है। फिर मेरा अभी कुछ कबूतर बच्चे बने हैं, उनका अभी तक के चेचक, माता, फुंसी नहीं हुई है जब से मैं पानी उन पर छिड़क रहा हूँ मैं। तो दोस्तों ये है विनोद भाई का चैनल, इस साइड में मैं आपको इनका पेज दिखा रहा हूँ। भाई अपने कबूतर की वीडियो अपलोड करते हैं, और भाई मैं इसी तरीके से सभी भाई को प्रमोट करूँगा उनके चैनल को, ठीक है, वो भी भाई फ्री में। और एक और भाई का चैनल देखो भाई, मेरे को फ़ायदा मिला यानी इससे, तो मैं सोचा यार तो वीडियो बना लो यार, तो इसको थोड़ा नीचे रख देता हूँ भाई मैं। तो देखो गाइस, अब मैं आपको डायरेक्ट एक फार्मूला बता रहा हूँ, आपको लेके आना है तेज पत्ता, ये फोटो देख लो आप, 5 रुपये का लेके आ जाओ। अब ये कहाँ मिलेगा, ये आपके पिला तो घर में मिल जाएगा, यानी घर में मिलेगा तो फ्री में काम हो जाएगा, और घर में नहीं मिले तो कोई भी किराने वाले स्टोर से 5 रुपये का बोला तेज पत्ता ही हमारे को दे दो, लेके आ जाओ 5 रुपये का भाई, वो घर में मिल गया तो आपको यही काम हो जाएगा। ये आपने लेके आ गए, अब लेके आना है दूसरे नंबर पे नीम की पत्ती, ये भी आप देख लो, नीम का झाड़ तो भाई मेरे घर के पीछे ही है, नीम का झाड़ ये है, नीम का झाड़ वो है ना, फिर भी मैं आपको फोटो दिखा रहा हूँ। नीम की पत्ती आप लेके आ जाना, आपके हिसाब से लेके आ जाना, करीब अंदाज कभी मैं अंदाज से बताऊँ तो करीब 200 ग्राम, 300 ग्राम, अब आप तोल तो सकते नहीं हो, 200 ग्राम, 300 ग्राम, तो आप अंदाजे से करीब इतनी सारी पत्ती लेके आ जाना, ठीक है भाई, सुखा लेना, धूप भी अच्छी पड़ रही है, जब वो पत्ती सूख जाए तो उसका बनाना है आपको पाउडर बना लेना है, इसको पूरा किसी भी चीज़ से हाथ से ही पिला तो वो नरम भूसा हो जाएगा। और ये जो तेज पत्ता आप देख रहे हो, इसको मिक्सर के अंदर इसका भी पाउडर आपको बना लेना है, बारीक पाउडर बना लो। पाउडर बनाने के बाद में अब आपके जितने भी कबूतर के बच्चे, एक बच्चा है जाल के अंदर, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, अब आपको करना क्या है, जैसे कि 5 बच्चे अपने घर पे अभी फिलहाल में तैयार है जो छोटे बड़े हैं, तो 5 बच्चे के हिसाब से करीब आपको, ये जो मैं पानी लिया हूँ भाई इसके अंदर करीब 1 गिलास आपको पानी लेना है, 1 गिलास पानी में यही पाउडर यानी दो तेज पत्ते को और नीम के पत्ते का जो बुरादा रहेगा दोनों को अच्छा मिक्स कर लेना। मिक्स करने के बाद में 1 चम्मच लेना आपको और पानी में डाल देना। बाकी सर तो ये कि इतना बारीक पाउडर बनाना कि स्प्रे के ऐसा बाहर हो जाए, वो कभी नहीं भी होता तो कोई टेंशन नहीं, मैं आपको एक तरीका और आपको बताने वाला हूँ। 1 गिलास पानी में आपने डाल दिया, डालने के बाद में आपको 12 घंटे तक के पानी के अंदर ही भिगो के रहने देना है, 12 घंटे पानी में अंदर भिगा हुआ है, उसके बाद पानी को छान लो, ठीक है, छान लिया तो फिर वो इसके अंदर नहीं फंसेगा। मैं आपको सिंपल तरीका बता रहा हूँ, मेरे क्या भैया आप अपने बगैर छाने का भी कर लिया तो फिर आपको बार बार वो अटकेगा, आप परेशान होंगे, फिर नली को साफ़ करोगे, छान के बॉटल में आपको भर लेना है, और हर एक कबूतर के बच्चे को ख़ास तौर पर शाम के समय में। और गाइस ये देखिए मौर्या जी, ये साइड में मैं आपको दिखा रहा हूँ पेज, इनका भी भाई यूट्यूब चैनल है, और भाई ये हर तरीके की वीडियो अपलोड करते हैं, इनके भी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। रात में मच्छर इतने नहीं होते, बाकी शाम में 6 बजे 6:30 बजे करीब आपको हर एक कबूतर बच्चे को स्प्रे करना है, पकड़ के चोंच पे और पीछे और पंजों पे, जिससे कि भाई ये होगा कि ये जो पानी आप कबूतर बच्चे को छिड़कोगे ना, मच्छर नहीं काटेंगे, समझ रहे हो आप, मच्छर नहीं काटेंगे, मच्छर काटेंगे नहीं तो बच्चे कहाँ से मरेंगे, ये भी सोचने वाली बात है। मच्छर के काटने की वजह से कबूतर बच्चे जाया हो रहे, कबूतर बच्चे मर रहे, इसे काटने से चेचक, माता, फुंसी नहीं होंगी कबूतर बच्चे को। अभी आपको डेली करना है, डेली नियम बना लो आप, 6 बजे रोज़ 6 बजे करीब हर एक बच्चों को स्प्रे मारना है, उसके अलावा रात के समय में आपको दड़बे में पूरे स्प्रे मारना है। इस बार गाइस मैंने अलग तरीके इसलिए बताया हूँ क्योंकि मैंने पिछले जो तरीका बताया था प्योर नीम का पत्ती का पानी मैंने बताया था, और भाई के पास कमेंट भी आ रही थी क्या वासिम भाई, हमने पानी बनाया 5 लीटर 6 लीटर, अब वो पानी क्या है 4-5 दिन बाद 8 दिन बाद बहुत बुरा बांस मारा है ना, पानी ख़राब हो जा रहा था। तो इस बार भाई अलग तरीका है, इस बार अलग तरीका क्या है, पाउडर बना के आपको रखना है,
एक गिलास में एक चम्मच डालना है, 12 घंटे भिगो के रखना है, जिससे कि यह है कि यह आपका सामान भाई ख़राब तो होगा ही नहीं और आप फर्स्ट क्लास उसको महीनों महीने इस्तेमाल कर सकते हो। भाई ये थी वीडियो आप भाइयों के लिए, जो सबसे ज़्यादा मेरे पास कमेंट आ रही थी कि वासिम भाई हमारे कबूतर बच्चे जाए हो रहे, हमारे कबूतर बच्चे मर रहे। अब नहीं मरेंगे भाई, सिर्फ 5 रुपये का खेल है, घर में मिल गया तो फ्री में खेलें। बनाने का तरीका मैंने आपको बता दिया हूँ कि नीम की पत्ती आप इतनी सारी करीब लेके आ जाना, 200 ग्राम 300 ग्राम एक अंदाजे से आप लेके आ जाना, उसको सुखा लेना, उसको पाउडर बना लेना, साथ ही ये तेज पत्ता का पाउडर बना लेना 5 रुपये के लेके आना। उसके बाद तो भाई छिड़क देना, आपका भाई दिल खुश हो जाएगा। बस शर्त यही है कि भैया टाइम से करना है आपको, मक्का ही नहीं करना, नहीं तो आपने सोचे कि भैया एक दिन छिड़क दिए, दूसरे दिन रहने दो, तीसरे दिन रहने दो। और उसके अलावा भी देखो क्या होता है, चलो हमने 5-6 बजे करीब हमने बच्चे को छिड़क दिया, रात भर बच्चा बेफिक्र हो गया है, कोई दिक्कत ही नहीं। अब बाकी मच्छरों की तो आदत रहती है यार, दिन में आ गए तो आपके पास कभी समय है तो हल्का हल्का आप सुबह के टाइम में कबूतर जहाँ बैठता है दड़बे में फिस फिस कर दो ना, दड़बे में मार दो, तो उसका असर दिन भर रहे, फिर शाम में तो अपन मारेंगे मारेंगे तो आपको भी काम हो जाएगा। तो भाई ये थी वीडियो आप भाइयों के लिए, तो ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताना। साथ ही भाई एक बात और, मैंने अपना एक नया चैनल खोला हूँ और वहाँ मैं कबूतरबाजी को लेते हुए अन्य दूसरी वीडियो भी अपलोड करूँगा, और वो चैनल के लिंक है इसी कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे चैनल के लिंक, और डिस्क्रिप्शन में चैनल के लिंक मिल जाएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई वो चैनल भी सपोर्ट करें, वो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। भाई मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और गाइस ये है तीसरा भाई का, देखो एक्टिव DF भाई, इनका भी यूट्यूब चैनल है भाई, ये भी छोटा भाई है, इनको भी सपोर्ट करें। भाई देखो मेरा काम बहुत अलग है, मैं जिसको भी सपोर्ट करता हूँ ना भाई, दिल से सपोर्ट करता हूँ। और जिस तरीके से आपने मेरे को प्यार दिया है, आप हर एक भाई को आप भी प्यार दें, सभी भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें और भाई की मदद करें आगे बढ़ने में।